हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है तो इनमें क्या डिफरेंस है तो आज की हमारी वीडियो इसी के ऊपर रहेगी डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कई बारे एग्जाम में फाइव मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कम्युनिकेबल डिजीज़ को हिंदी में संचारी रोग भी बोला जाता है एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को बोला जाता है गैर संचारी रोग सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टूडेज टॉपिक सबसे पहले आता है हमारा कम्युनिकेबल डिजीज़ तो कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है कम्युनिकेबल डिजीज़ रेफर टू तो डिजीज दैट कैन पास फ्रॉम वन पर्सन टू तो एन अधर पर्सन सो कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाती है ठीक है मतलब एक पर्सन को अगर कोई डिजीज़ है तो दूसरे पर्सन को उस पर्सन से वो डिजीज़ हो सकती है उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ और संचारी रोग नेक्स्ट बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ अगर इन वन पर्सन एंड कैन नॉट बी पास्ड ऑन टू एन अदर पर्सन और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में क्या होता है ये जो बीमारी होती है स्प्रेड नहीं होती मतलब एक पर्सन अगर इन्फेक्टेड है उसको कोई बीमारी है तो उससे दूसरे पर्सन को दूसरे इंसान को बीमारी होने के चांसेस नहीं होते मतलब कम्युनिकेबल डिज़ीज़ फैलती है एक इंसान से दूसरे इंसान में हो सकती है जबकि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है गैर संचारी जो डिज़ीज़ होती है रोग होता है वो फैलता नहीं है एक इंसान से दूसरे इंसान में ठीक है ये हो गया हमारा फर्स्ट डिफरेंस अब सेकेंड डिफरेंस अंडर कम्युनिकेबल डिजीज़ कम्युनिकेबल डिजीज़ आर ऑल्सो नोन एज इन्फेक्शियस डिजीज़ तो कम्युनिकेबल डिजीज़ को हम इन्फेक्शियस डिजीज़ भी बोलते हैं ये एक इन्फेक्शन होता है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आर रेफर्ड टू एज़ क्रॉनिक ठीक है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है? होती है क्रॉनिक होती है मतलब जिसका इलाज काफ़ी समय तक चलता है अब थर्ड डिफरेंस की बात करते हैं अंडर कम्युनिकेबल डिजीज कम्युनिकेबल डिजीज आर मोर लाइकली टू बी अक्यूट विच मींस द डिजीज़ डेवलप्स क्विकली

और जिसका इलाज बहुत लंबे समय तक चलता है कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है एकदम से होती है और जल्दी रिकवर भी हो जाती है बट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ धीरे धीरे होती है स्लोली होती है और लॉन्ग समय तक इसका ट्रीटमेंट चलता है चलिए नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं अंडर कम्युनिकेबल डिजीज़ व्हीकल्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड द वेक्टर प्ले अ मेजर रोल इन द स्प्रेड ऑफ डिजीज़ ठीक है डिजीज़ फैलने में सबसे बड़ा रोल किसका होता है वेक्टर्स का ठीक है देखो कोई हमें एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई हमें इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है तो उसका कोई कारण होता है ठीक है या तो किसी वायरस की वजह से होती है या कोई भी और अदर रीजन हो सकता है तो उसमें एक वहीकल ऑफ ट्रांसमिशन होता है ठीक है और कोई ना कोई ऐसा वेक्टर होता है जो डिजीज़ कॉज करता है इन अदर हैंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में क्या होता है डाइट्री हैबिट्स एनवामेंट एंड लाइफ स्टाइल प्ले अ रोल इन द काजेशन ऑफ दिस डिजीज़ जबकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में हमारी हैबिट्स का बहुत बड़ा रोल होता है हमारा लाइफ स्टाइल कैसा है हम कैसी डाइट ले रहे हैं एनवामेंट कैसा है लाइफ स्टाइल कैसा है सारी चीज़ें मैटर करती हैं ठीक है थीके? अगर ये सारी चीज़ें हमारी अच्छी नहीं होगी तो उसकी वजह से हमें जो डिजीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ चलिए अब एग्जाम्पल की बात करते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ का एग्जाम्पल लेते हैं कॉमन कोल्ड ठीक है अगर किसी पर्सन को कोल्ड हो रहा है तो ठीक है ये कि इन्फेक्शियस डिजीज़ है ठीक है किसी वायरस की वजह से हो रहा है और एक हेल्दी पर्सन कोल्ड वाले पर्सन के पास बैठा हो तो उसको भी वो डिजीज़ ट्रांसफ़र हो जाती है क्योंकि ये इन्फेक्शियस है स्प्रेड होती है पर्सन टू पर्सन और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होगी डायबिटीज़ ठीक है डायबिटीज़ अब एक ऐसी डिजीज कंडीशन है जो हमारे लाइफस्टाइल से रिलेट करती है अगर हम अच्छी डाइट ले रहे हैं या हमारे लाइफस्टाइल uh, अच्छा नहीं है इन्वामेंट अच्छा नहीं है तो उसकी वजह से हमें डायबिटीज़ हो जाती है जैसे मान लो हम बहुत ज़्यादा शुगर अपनी डाइट में लेते हैं ठीक है जो हमें शूट नहीं करती तो उसकी वजह से हमें डायबिटीज़ हो जाती है या अर्थराइटस ले लो ठीक है हड्डियों में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसका मतलब हम अपनी डाइट में कैल्शियम अच्छा नहीं ले रहे हैं ब्लड प्रेशर हो गया स्कर्भी हो गया तो ये सारी चीज़ें हमारी हैबिट्स पे डाइटरी हैबिट्स पे डिपेंड करती हैं जिसकी वजह से हमें डिजीज कंडीशन कॉज होती है जबकि जो हमारी कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता वो डिपेंड करता है हमारा व्हीकल ऑफ ट्रांसमिशन है बैक्टर्स कॉमन कोल्ड हो गया निमोनिया हो गया ट्यूब्रकलोसिस हो गया तो सारी डिजीज कंडीशन आती है हमारी कम्युनिकेबल डिजीज़ में आई होप आपको डिफ्रेंस क्लियर हो गया होगा कि कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं सो दैट्स ऑल अबाउट टूडेज़ वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाय टेक केयर खुश रहिए स्वस्थ रहिए थैंक्स फॉर वॉचिंग